दैट पार्ट हैज बीन कैप्चर्ड. तो वहां पे ऐसी ओकेशनल नॉर्मल जो ठीक है. खासकर अगर देखी जाए इसकी रिनोवेटिंग और खासकर जो वाल यहाँ पे बनाए इस इसी की नहीं ऐसे ऐसे बहुत ऐसे बहुत सारे डैमेज हैं और खासकर यहाँ बोरवेल की जो नीड है, खासकर यहाँ जो पानी की मुश्किलात है वो हल होगी यहाँ पे बोरवेल की वजह से. सर इस पे आप कुछ बताइए. हम खाली बोरवेल के लिए नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे जल जीवन मिशन जो है बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसको इम्प्लीमेंट करना है. वो इम्प्लीमेंट इस तरह से करना है कि अवाम को साथ लेके, अवाम के सजेशंस के साथ लेके हमारी ये स्कीम इम्प्लीमेंट हो, ये चेक करने के लिए हमने ये टूर बनाया है. और आज बड़ा अच्छा लगा कि इन लोगों के साथ बात किया, उनका मशवरा इनके सुझाव के साथ हम स्कीमें इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये स्कीमें हमारी कामयाब रहेगी. हमें देखिए पहले सबसे पहले मैं हमारी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है जी उनका मैं तहे दिल से यहाँ इन्होंने क्योंकि आज संडे के दिन इन्हें मीटिंग ले ली जी. हमारी DDC काउंसिल पूरी मौजूद थी, हमारा जो सुझाव था इन्होंने ले लिया. इन्होंने हर हमेशा ये कहा कि जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है, अभी आप देखिए हमारे एक्स सरपंच साहब ने कोई इन्होंने कोई मशवरा दे दिया. हम समझते हैं जो भी हमारी स्कीम कोई इम्प्लीमेंट होनी चाहिए विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल होनी चाहिए. मेरे ख्याल में जब तक हम लोगों का सुझाव इसमें नहीं करेंगे तब तक ये नाकाम है. जैसा आपने कहा कि दोहगाम कोल ये हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब है, हमारे एग्जेंट साहब भी है, इनके नोट्स में हमने लाए. इंशाल्लाह जितने भी कोशिश हमारी हो जाएगी हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जो दोगाम का पानी इसे लिफ्ट करने के लिए, क्योंकि कहते हैं अगर इसमें पानी लिफ्ट एक तो वो सहरा पूरा एरिया पूरा लोलाब सहराब हो जाएगा. तो इंशाल्लाह वो वर्क जो भी होगा इट बी ऑन प्रायोरिटी. मुझे लगता है 2014 में बन गया इसका DPR उस वक्त यूनियन गवर्नमेंट उस वक्त यहाँ पर कोर्ट करना मुनासिब नहीं समझता, वक्त की अहम जरूरत थी जी. ऐसे ऐसे डैम जो हमारे लोलाब है बहुत सी जगह है, क्योंकि इरिगेशन डैम पर हमारे लोलाब की का जो ये एग्रीकल्चर इन्हीं पर डिपेंड है. अब चूंकि खाल साहब अब्दुल खालिक मलिक साहब यहाँ के एक्स सरपंच रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर जो बात बोली वो सही बोला, क्योंकि यहाँ पर अगर एक और बोरवेल इनके लिए बनता या इसको लिफ्ट किया जाता दहगाम कोल से इसमें तो इनका बिल्कुल मसला हल होता, क्योंकि दहगाम कोल लोलाब की सबसे पुरानी इरिगेशन कोल है जो शालगुंड से निकलकर टिक्कीपोरा तक जाती है पूरे लोलाब को सैराब करती है. इनका मानना ये सही है, जितने भी यहाँ पर हमारे इरिगेशन डैम हैं उनको रेनोवेट करवाया, मतलब 2014 के बैच रेनोवेट हुई, 2012 के 10 के बैच रेनोवेट हुए. ये पहले ज़माने के लोलाब में ही आपको ज़्यादा ही वाटर टैंक्स मिलेंगे, क्योंकि खुशकसाली की वजह से यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है. अगर इनको हम रेनोवेट करेंगे तो बिल्कुल यहाँ का किसान भाई बिल्कुल अच्छी तरह हर एक मतलब साल में 2 फसल वो बना सकता है. ये हमारी मजबूरी है. इस वक्त हम अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब बहुत मशहूर हैं कि इन्होंने यहाँ पर आया, इन्होंने बोला मैं खुद जाऊँगा वहाँ पर, वो देखूँगा मुझे आप दिखाइए कौन सा. फिर हमने चॉइस किया इधर ही हापतनाड़ में इनको लाए, तो एक तो हमारी इस गुलपोश वादी खूबसूरत वादी का नज़ारा भी ये करेंगे, तो बाकी जितने भी हमारे लॉन्ग पेंडिंग इशूज़ हैं रिगार्डिंग ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ या इरीगेशन फैसिलिटीज अपने आप ये खुद बता देंगे हमारे मसले. सरकार का ही मानना है ना डोर स्टेप पर हमें जाना है लोगों को. इसकी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसिल बनी है ना, पहले ज़माने में जब ये था ना सिर्फ कुछ घरों में ही मुनसर सरकार होती थी, कुछ जेबों में ही होती थी. आज ग्राउंड पर आप देखता है जब 73-74 अमेंडमेंट यहाँ हुआ पंचायत राज, वाकई पंचायत राज किसको कहते हैं, अवामी राज. अवामी राज इसको आज तक पनपे नहीं दिया. हम LG साहब के बहुत मशहूर हैं, हम यूनियन गवर्नमेंट के बहुत मशहूर हैं, जिन्होंने आज पहली बार 73rd अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट लाकर आज इतने बड़े कदावर शख्सियात हमारे दरमियान बैठे हैं. इन्होंने खुद बोला यहाँ के लोकल को इनसे या बाइट ले लो, इनका हम सुनेंगे. इनकी डायरेक्शन हुई आज पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को आवाम के साथ बनकर. हमारे चेयरमैन साहब हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनका भी खैर मकदम करते हैं हमारे इस खूबसूरत गुलपोश वादी का. जाते जाते मैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को यही गुजारिश करूँगा कि लोलाब कुदरती हुस्न जमाल से वही मालामाल है, इसको हम अब टूरिज्म मैप पर लाना चाहते हैं. अलहदा हमारे लोलाब के लिए टूरिज्म डेस्टिनेशन बननी चाहिए, अलहदा एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बननी चाहिए. आपको बिल्कुल गुलमर्ग पहलग्राम सब कुछ भूलेगा अगर हम लोलाब की तरफ बायो फेंसिंग में उसमें है कि हम इसको पेड़ लगाएंगे राइट इर्द गिर्द, वो करेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जी. तो ऐसे ही उन्होंने कुछ इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेनिंग फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस कुछ ऐसा अपने इस प्रोग्राम में रखा हुआ है
इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू इट इन वन गो। राइट, हमारे यहाँ पे अगर पूरा डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए, इफ नॉट राइट और रॉन्ग, इट इज अराउंड 177 साइज स्टोरेज टैंक्स। राइट सर, तो उन्होंने ये बताया है कि जहाँ जहाँ पे ये पॉसिबल हो वहाँ बायो फेंसिंग करेंगे। राइट सर, जहाँ जैसे पैडी में वहाँ पे होगी कोई तो वहाँ बायो करेंगे तो साया पड़ेगा धान, दैट इज नॉट सूटेबल फॉर दैट, वो नहीं करेंगे। और वहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी तो इस तरह का पैसा फंडिंग अरेंजमेंट्स देखा जाएगा, हो जाता है तो वेलकम, नहीं जाता तो आगे आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन ऐसे ऐसी स्कीम्स पर बायो वाला फेंसिंग, थैंक यू सर, विल गो फॉर अ बायोमेट्रिक फेंसिंग, नॉट बायो फेंसिंग। बायो फेंसिंग, नॉट बायो फेंसिंग में उसमें यह है कि हम इसको पेड़ लगाएंगे। राइट, इर्द गिर्द वो करेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जी, तो ऐसे ही उन्होंने कुछ इकोसाइकोलॉजिकल इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेनिंग फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस, कुछ ऐसा अपने इस प्रोग्राम में रखा हुआ है। इट इज नॉट पॉसिबल टू डू इट इन वन गो। राइट, हमारे यहाँ पे अगर पूरा डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए, इफ नॉट राइट और रॉन्ग, इट इज अराउंड 177 साइज स्टोरेज टैंक्स। राइट सर, तो उन्होंने ये बताया है कि जहाँ जहाँ पे ये पॉसिबल हो वहाँ बायो फेंसिंग करेंगे। राइट सर, जहाँ जैसे पैडी में वहाँ पे होगी कोई तो वहाँ बायो करेंगे तो साया पड़ेगा धान, दैट इज नॉट सूटेबल फॉर दैट, वो नहीं करेंगे। और वहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी तो इस तरह का पैसा फंडिंग अरेंजमेंट्स देखा जाएगा, हो जाता है तो वेलकम, नहीं जाता तो आगे आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन ऐसी ऐसी स्कीम्स पर बायो वाला फेंसिंग। थैंक यू सर, प्रोडक्ट बेनिफिट बिल्कुल امپرومنٹ گژھن نمبر اکھ نمبر دو جنہیں ویلی بیچ اس ہاپر ناڈ ڈیم چھ اس لفٹ ارگی اس تم دو تھائی اس دہ گام کول چھ وندس یہ آب گژھن زائے بالکل اس چھ اگر یہ لفٹ ارگی اس اس یہ آب گژھن یت من اس گژھ واریا بیسٹ دہ گام کول جو 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 اس وندس من روزن یہ آب آب سٹو ویسٹ گژھن آب اس بالکل کۄلہِ دہ گام تتھ فل آب آسان ونٛدس اگر اتھ لفٹ سکیم گژھِ امہِ جایہِ پٮ۪ٹھ کۄلہِ دہ گامہِ پٮ۪ٹھ یتھ منٛز یہِ گژھِ تیُتھ کامیاب اسہِ اوس سوشل لولا ویلی تہِ گژھِ سیو سُہ آب امیُک آب روزِ سیو اسہِ گژھِ نہٕ زانٛہہ کانٛہہ پرابلِم